हेलो, सुबह का वक्त और टाइम है कि बिहार के अलग अलग अखबारों में ये तलाशा जाए कि बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट या STET से जुड़ी हुई कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये है प्रभात खबर पटना से प्रकाशित, और यहाँ पर लिखा हुआ है STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी की पात्रता के लिए समिति गठित। STET 2019 में जो कि क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं उनकी बात हो रही है, उनके लिए एक समिति का गठन हुआ है उनकी पात्रता से संबंधित बातों के लिए। थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं और पढ़ते हैं नीचे क्या कुछ लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के प्रमाण पत्र की मान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम करने की पृष्ठभूमि में दो तरह के अभ्यर्थियों की पात्रता की अनुशंसा करने के लिए समिति गठित की है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक गठित समिति STET 2011 के ऐसे अभ्यर्थी जिनके STET प्रमाण पत्र की वैधता सातवें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए नहीं रह गई थी, थोड़ा और इसको स्क्रॉल करते हैं, कि पात्रता के लिए अनुशंसा करेगी। साथ ही अभी तक जो कुछ पढ़ा गया उसका मतलब आप समझ रहे हैं, 2011 वालों को सातवें फेज की तरफ डाइवर्ट करने की बात हो रही है। साथ ही ये समिति STET 2019 में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है कि पात्रता के संबंध में अनुशंसा करेगी। थोड़ा इसको और स्क्रॉल करते हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समिति को आदेशित किया है कि ये बताए गए संदर्भ में जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दें। आधिकारिक आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अमित कुमार, विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक और उसके बाद STET के प्रमाण पत्र की वैधता वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया। उल्लेखनीय है कि सातवें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए STET 2019 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें दो श्रेणी के अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, एक क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड भी हैं और मेरिट लिस्ट में भी हैं, दूसरे वो हैं जो क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं। उल्लेखनीय है कि बीते रोज STET का रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट के मेरिट लिस्ट को लेकर के अभ्यर्थियों के ऊपर बनाए गए, थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं, उल्लेखनीय है कि बीते रोज STET का रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट की मेरिट लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों में ऊपर बताए गए संदर्भ में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए समिति गठित की गई है। मेरिट लिस्ट के में नाम नहीं, इधर STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं रहने से आक्रोश है। मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही काफ़ी स्टूडेंट को निराशा हाथ लगी है। परीक्षा में सफल काफ़ी परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। स्टूडेंट्स ने मंगलवार को पूरे दिन ट्विटर के साथ अन्य सोशल साइट्स के साथ कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है प्रभात खबर में। मेन इशू ये नहीं है कि क्वालिफाइड में मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का किया गया, मेन इशू ये है यहाँ पर कि जो मेरिट लिस्ट बनी है वो डाउटफुल दिख रही है। मेरिट लिस्ट बनाने की बात पहले भी नोटिफिकेशन में की गई थी, लेकिन अभी जिस तरह से कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कैंडिडेट को नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया और उसमें सब्जेक्ट के अंदर सीटें भी खाली रह गईं, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर ऐसे कैंडिडेट अवेलेबल आ गए हैं, ऐसे कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में हैं जिनका कोई पहले से कोई अता पता नहीं था। जैसे कंप्यूटर साइंस का जो सारा मामला हो, मैंने कई बार कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। आपके स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर मैं ऑलमोस्ट डेली ही कुछ ना कुछ टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित छपता है, और आज भी है, ये भी पटना से प्रकाशित है। ये अंदर का पेज है, चौथा या पांचवा पेज होगा, इसको आप देख सकते हैं। 2011 में STET पास की पात्रता भी उम्र भर सातवें चरण की बहाली में मौका मिलेगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान दीजिए, 2011 में STET पास की पात्रता उम्र भर, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और उनको सातवें चरण में मौका मिलेगा। सातवें चरण में जब लोग लोकल लेवल पर अप्लाई करेंगे, नियोजन कमेटियों के सामने अप्लाई करेंगे, तो उनकी अपनी नियमावली है, नियमावली के हिसाब से वो लोग बहाली करेंगे, क्योंकि उनको वही सूट करता है, और उस इसलिए सूट करता है क्योंकि उसमें करप्शन करने का स्पेस होता है। लेकिन अगर ये चीज़ प्रैक्टिकल होती है, अखबार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2011 वालों को सातवें चरण में दो, लेकिन अखबार में ये चीज़ लिखा हुआ है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ प्रैक्टिकल हो गई तो जो आज कई सब्जेक्ट के लोग, मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई सब्जेक्ट के लोग जो आज बड़ी खुशी मना रहे हैं क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट में आने की वजह से, ये खुशी कुछ और में तब्दील हो सकती है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये काफ़ी लोगों को परेशान करने वाला है।
हालांकि कई ऐसे सब्जेक्ट भी हैं कंप्यूटर जैसे जहां पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है ऑलमोस्ट। थोड़ा इसके नीचे देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। 2019 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की अनुशंसा के लिए बनी कमेटी, 2019 में अभी जो क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं इनकी अनुशंसा के लिए कमेटी बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाएगा कि ये कमेटी बोल देगी कि जो क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं इनको भी लोकली नियोजन कमेटी के सामने, नियोजन इकाई के सामने अप्लाई करने का मौका दे दिया जाए। अभी क्या होता है, इस कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है टाइम बताएगा। हालांकि कई तरह के ओपिनियन है लोगों को, कई लोगों को लगता है कि नहीं ये सिर्फ वैलिडिटी के लिए कमेटी बनाई गई है, हालांकि एग्जैक्टली वहाँ पर इतना डिटेल में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस कमेटी के रिपोर्ट के आने का वेट कीजिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचिए। तो देखते हैं कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं उसके वीडियो को बंद करेंगे। 2011 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की पात्रता की उम्र भर के लिए कर दी गई। इन अभ्यर्थियों को सातवें चरण में हाई स्कूल में होने वाले 33,000 शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका मिलेगा। वाह, 33,000! कल तक यही अखबार था दैनिक भास्कर जो 33,000 वैकेंसी सातवें चरण में बता रहा था, और अब 33,000 वैकेंसी छठे चरण में बता रहा है, और असल में छठे चरण की वैकेंसी 30,000 है। पता नहीं इतना कन्फ्यूज़न, इतना मतलब एक अजीब सी स्थिति क्रिएट हो गई है टीचर बहाली को लेकर के, और मीडिया ने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। जितनी जिम्मेदारी से लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो तो आपके सामने दिख ही रहा है। इसे 2011 में एसटीईटी पास 16,196 अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। 2011 में एसटीईटी पास 16,196, ये पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने स्टैट्स लाया है 16,196 का। 2019 एसटीईटी के वैसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है, इनकी पात्रता की अनुशंसा के लिए शिक्षा विभाग के सचिव चुआ आवो की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी किया। ये कमेटी अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट देगी, संजय कुमार को रिपोर्ट देगी ये कमेटी, और जो कुछ कमेटी कहेगी उस पर आगे का फैसला होगा। और राइट साइड में देखिए तो लिखा हुआ है जाँच से छूटे शिक्षकों को मेधा सूची अपलोड करने में छूट। तो ये वो दूसरा है जो निगरानी जांच चल रही है, जो ऑलरेडी टीचर हैं उनकी बात हो रही है। खैर, आपके स्क्रीन पर अब तक की पूरी कहानी आपको पता लग गई कि जो कमेटी बनाई गई है 2011 वालों को सातवें चरण में घुसाने के लिए बातें चल रही हैं। ये तमाम चीज़ें आज के अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, सिर्फ प्रभात खबर या दैनिक भास्कर में ही नहीं, और भी कुछ अखबारों में, कई शहरों में आपको ऐसी ही खबरें मिल जाएंगी। बाकी और भी जैसी कोई अपडेट आती है एसटीईटी से जुड़ी हुई तो जल्दी से जल्दी आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्विटर कैंपेन, आगे फ्यूचर में होने वाले ट्विटर कैंपेन के लिए एसटीईटी ट्विटर कैंपेन नाम का एक ग्रुप है टेलीग्राम में, आप चाहें तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। एसटीईटी ट्विटर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वो ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।